गवर्नमेंट कॉलेज डीके बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बच्चों, इससे पूर्व मैं आप लोगों के लिए छायावाद की विशेषताएं लेके आई थी और कुछ विशेषताओं की चर्चा, जिनका उल्लेख मैंने आप लोगों के सामने किया। कुछ विशेषताएं अभी छायावाद की रह गई हैं, तो आज मैं आप लोगों को छायावाद की आगे की विशेषताएं बताऊंगी। इससे पूर्व जैसे कि व्यक्तिवादिता, विरह का वर्णन, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण पे मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की थी, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि छायावादी कवियों का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है। आपने देखा होगा, हर युग के कवि जो हैं वो नारी के विषय में अपने विचारों को अपनी कविताओं के माध्यम से रखते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे छायावादी कवियों ने नारी के प्रति क्या विचार रखा है, तो सबसे पहले हम जो कामायनीकार हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बड़ी उदात्त भावना जो है नारी के प्रति इनके मन में रही है। इन्होंने नारी की जो छवियां प्रस्तुत की हैं, उसमें जो इनकी नायिका के रूप में कामायनी की श्रद्धा है, वो एक पारंपरिक भारतीय स्त्री छवि की नारी का प्रतिनिधित्व करने वाली पात्रा है, जो कि उदात्तता, त्याग, समर्पण आदि भावनाओं से भरी हुई है, दया की वो मूर्ति है। और बराबर स्वयं श्रद्धा कहती भी है कि दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि तुम्हारे लिए खुला है पार। तो निश्चित रूप से जब वो मनु के पास जाती है और मनु को अपना परिचय देती है, परिचय देते देते वो अपने को समर्पित करती है, तो अपने उन उदार भावनाओं को प्रकट करती है। और इतना ही नहीं, प्रसाद ने एक समर्पणशील स्त्री को भी रूपायित किया है कि जहाँ वो कहते हैं समर्पण में कुछ नहीं केवल उत्सुक छलकता है, दे दूँ और कुछ ना लूँ इतना विचार झलकता है। तो भारतीय नारी, प्रसाद की नारी किस प्रकार की है, इसका एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रसाद प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जो बहुत ही सुंदर है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूषो सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी कैसी है, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसकी वंदना प्रसाद बराबर अपने साहित्य में करते हैं। और हे, इतना ही नहीं, एक माँ के रूप में नारी के प्रति प्रसाद कहते हैं, हे सर मंगले तुम मैती, सबका दुख अपने पर सहती, मैं भूला हूँ तुमको निहार, नारी साही लघु विचार। पंथ नारी को देवी के रूप में कल्पित करते हैं, देवी माँ सहचरी प्राण, जहाँ वो छायावादी कवि के रूप में हैं वहाँ वो देवी और सहचरी के रूप में देखते हैं। लेकिन यही कवि की जब चेतना का विकास होता है, यही पंथ कवि छायावाद से जब प्रगतिशील की ओर, आगे की ओर गतिशील होता है, तो वो एक मानवीय रूप में देखने का पक्षधर रहा है। और इसीलिए वो कहता है, मुक्त करो नारी को मानव, चिर विनंदनी नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी प्यारी सुखी को। तो देखिये, नारी के प्रति दृष्टिकोण के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे बच्चों, वो है छायावाद और राष्ट्रीयता। यानी छायावाद की रचना जब हो रही थी, छायावादी कवि जब अपनी रचना धर्मिता कर रहे थे, तो उस समय हमारे देश में स्वाधीनता आंदोलन गतिशील हो रहा था, तो उसका प्रभाव जो है हमें छायावादियों की रचनाओं में देखने को मिलता है कि राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव है, राष्ट्र के प्रति जो जागरण का भाव है, राष्ट्र के प्रति जो देश प्रेम की भक्ति का जो भाव है, वो हमें छायावादी काव्य में देखने को मिलता है। और विशेषकर जयशंकर प्रसाद के नाटकों में हम देखते हैं, चंद्रगुप्त में अलका जो है पराधीन भारतीयों की स्त्री के रूप में उनके लिए एक प्रयाण गीत गा रही है, और क्या गीत गा रही है,
हिमादि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। उठो अमर पुत्र हो, बड़े चलो बड़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंत है, बड़े चलो बड़े चलो। बिल्कुल हमें ऐसा लगने लगता है कि युद्ध के समय में, देश को आजाद करने के समय में इस प्रकार के प्रयाग गीतों की आवश्यकता थी। और कवि क्योंकि बहुत बड़ा सरोकार होता है, तो वो अपनी कलम से ऐसे ऐसे राष्ट्रीय गीतों को लिखता है, देशभक्ति गीतों को लिखता है, जिसके द्वारा संपूर्ण समुदाय के बीच में, जनता के बीच में जो वो है, राष्ट्र चेतना का बिगुल बजाना चाहता है। प्रसाद को भारत से बहुत स्नेह है और बहुत प्रेम है, इसीलिए वो कहते हैं जिए सदा इसी के लिए, अभिमान रहे या हर्ष न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, भारतवर्ष के लिए तन मन सब कुछ समर्पित करने वाले कवि उस समय हुए हैं। और छायावादी काल के ही समय में माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी पुष्प की अभिलाषा कविता जो है बिल्कुल राष्ट्रभक्ति को जगाने वाली कवि है। तो एक पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं, वो बराबर कहते हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मुझे तोड़ देना बनवाली उस पत देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जावे वीर अनेक। यानी मातृभूमि के प्रति जो समर्पण का भाव है, जो लगाव का भाव है, वो राष्ट्रता का ही द्योतक है। क्योंकि राष्ट्रता का भाव बहुत बड़ा भाव होता है। राष्ट्रीय स्वरूप जहाँ हमारी राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाइयाँ एक साथ पूंजीभूत होने लगती हैं, तो वहाँ पर ही भारत जैसे राष्ट्र का निर्माण होता है। निश्चित रूप से किस प्रकार से इस देश की मिट्टी के प्रति जो लगाव का भाव है, जो राग का जो भाव है, वो हमें इन कवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है। कामायनीकार तो विदेशी पात्रों के मुखार विंद से भी भारत भूमि की महिमा का गान करते हैं। अपने चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस, ग्रीक सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कानेलिया के माध्यम से प्रसाद भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक सौंदर्य और वैभव और ऐश्वर्य का मुक्त गान करते हुए कहते हैं, अरुण मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कितनी सुंदर रचना प्रसाद के द्वारा की गई है। और विदेशी पात्रों के मन में भी अपने इस भारतवर्ष के प्रति जो लगाव का भाव है, उसको वो अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ जो रहस्य की जो चेतना है, रहस्य की जो भावना है, वो भी हमें छायावाद में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण जो हुआ है, वो छायावाद में खूब खुलकर हुआ है। तो जो प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण करते हुए हमें ये कवि लोग दिखाई देते हैं, चाहे निराला हो या प्रसाद हो, इन्होंने खूब प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया है। जैसे प्रसाद कहते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही तारागट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लोलतिका भल्लाई नवल मुकुल रस गागरी, हेम कुंभले उषा सवेरे ढुलकाते सुख मेरे, मंदिर उमते रहते जब रजनी भरता रहा। यानी आकाश रूपी पनघट में नक्षत्र रूपी तारे कैसे डूब रहे हैं, और उषा रूपी परिहारिन किस प्रकार से नक्षत्र रूपी घणों को डुबो रही है, प्रातःकाल सूर्य उदित हो गया है। प्रकृति पर मानवीय चेतनाओं का बहुत ही सुंदर बिंब, बहुत ही सुंदर भावनाओं का आरोपण हमारे छायावादी कवि करते हुए हमें दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर वर्णन छायावादी कवियों ने भी किया है। इसके साथ मुख्य रूप से छायावाद का जो प्रदेय है, वो है मानवतावाद। मतलब छायावादी कवि जो संदेश देना चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, तो छायावादी कवि सीधे सीधे कहते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और हंसाओ,
अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये कितनी बड़ी भावना छायावादी काव्य में देखने को हमें परिलक्षित होती है। और आज के बुद्धिवाद की प्रधानता हृदय पक्ष के अभाव के लिए प्रसाद एक चिंता करते हैं और कहते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों ना हो पूरी मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, यही विडंबना है जीवन की। बच्चों, हृदय पक्ष और बुद्धि पक्ष दोनों में समन्वय होने की आज बहुत आवश्यकता है। हमें मन से भी बहुत कुछ सोचना चाहिए। इन्हीं सब बातों का को संदेश देता है हमारा